नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जब भी हमारे पास कुछ पैसा होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो ये जो वीडियो है ये MIS के ऊपर बनाया हुआ है। इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा 100% सिक्योर रहता है और आपका रिटर्न भी सिक्योर रहता है। यहाँ पे कोई भी अनिश्चितता नहीं रहती है कि आपको कितना पैसा कब मिलेगा, यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन रहती है। और इंटरेस्ट रेट जो है भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तय होती है। मंथली इनकम स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती है ये सेवा, तो आप किसी भी कंप्यूटराइज डाकघर के अंदर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो है डाकघर की मासिक आय योजना पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि इस अकाउंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, साथ ही इस अकाउंट से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। तो सबसे पहला है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ MIS अकाउंट। इस अकाउंट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला है कि इसके अंदर आप अपना अकाउंट 1500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 4.5 लाख तक सिंगल अकाउंट के लिए जा सकता है। और यदि अकाउंट ज्वाइंट है तो दोनों का मिलाकर 9 लाख रुपए आप इसमें जमा करा सकते हैं। इसमें एक सिंगल व्यक्ति 4.5 लाख रुपए जमा करवा सकता है, चाहे वो एक अकाउंट खुलवाए और चाहे ज्यादा अकाउंट खुलवाए। वो कभी भी जितने भी अकाउंट खुलाएगा तो उसका जो एक्यूमुलेटेड टोटल जो होगी वो 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के सामने यह है कि उसने ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा रखा है और ज्वाइंट के साथ वो सिंगल और खुलवाना चाहता है, तो यदि ज्वाइंट यदि 2 लाख का है तो उसका शेयर उसमें 1 लाख माना जाएगा और फिर वो 3.5 लाख का जमा करवा सकता है। जैसा कि ये मैंने एग्जाम्पल बता रखा है कि किसी ने यदि 1.5 लाख रुपए मतलब 3 लाख की उसने MIS ज्वाइंट में करवा रखी है तो उसका 1.5 लाख का शेयर उसका हो गया, तो पीछे वो अब 3 लाख ही अकाउंट और खुलवा सकता है। अकाउंट आप जो है कैश, चेक या अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से खुलवा सकते हैं। कैश में कुछ लिमिट्स रहती है, तो आप प्रिफर करें कि अपना पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ही साथ ही साथ खुलवा लें या उसके थ्रू ही MIS करवाएं। तो एक बार दोस्तों पुनः निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे कि आपको इस प्रकार का वीडियो मिल सके। आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी दी जाती है, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं उस समय भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, और यदि बाद में आपको चेंज करना है या बाद में नॉमिनेशन करवाना तो भी आप कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस इस अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। CBS पोस्ट ऑफिस के अंदर हालांकि इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी आप अगर इस खाते को दूसरी जगह क्लोज करना चाहेंगे तो आपको ट्रांसफर करवाना होगा। आप कितने ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, बस आपको लिमिट का अपना ध्यान रखना है कि वो 4.5 से ज्यादा नहीं जाए और ज्वाइंट में 9 लाख। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है, 5 साल के बाद आप अपना भुगतान ले सकते हैं। मंथली ब्याज जो है आपको हर महीने मिल जाएगा। यदि आपने अकाउंट खुलवाने के बाद यदि आप उसको प्री मैच्योरली क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आप यदि उसको 1 साल बाद में उसको क्लोज करवा रहे हैं तो 1 साल से लेकर 3 साल की कंडीशन में आपके मूल राशि में से 2% डिपॉजिट में से काट लिया जाएगा, और यदि 3 साल के बाद यदि आप उसको बंद करवा रहे हैं तो 1% आपके प्रिंसिपल अमाउंट का उसमें से काट के ही आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको खाता खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आप अपने साथ पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ कोई भी, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन है और जो एड्रेस आप उसमें मेंशन करवाना चाहते हैं, और साथ में आपकी 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे अहम बात है कि इस खाते में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो MIS का जो मेन पर्पज है वो यही है कि यदि आपके पास में एकदम से आप रिटायर्ड हुए या किसी प्रकार से आपके पास में पैसा आता है और हर महीने यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप इस योजना को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको मंथली इनकम जो है उस हिसाब से आपको ब्याज के हिसाब से मिलेगी।
अभी इंटरेस्ट रेट 7.7% है जो कि पर एनम के हिसाब से काउंट होती है, लेकिन पेमेंट मंथली होता है, जो कि हर 3 महीने से इसका गवर्नमेंट रिव्यू करती है और हर 3 महीने से इसको चेंज करती है। लेकिन जब भी आप एफडी करवाएं, एमआईएस करवाएंगे, तो उस समय जो ब्याज रेट है वो आपके लिए लागू होगी और वो ही 5 साल के लिए रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पहला जो ब्याज है वो आपको 1 महीना कंप्लीट होते ही आ जाएगा और उस डेट को आएगा जिस डेट को आपने अकाउंट खुलवाया है। आप इंटरेस्ट केस में भी ले सकते हैं और सबसे बढ़िया ये है कि आपके सेविंग अकाउंट में वो जमा हो जाएगा, सेविंग अकाउंट से भी आप ले सकते हैं, तो वो ऑटो क्रेडिट होता है, उसकी कोई फीस भी नहीं होती है। तो अब देखिए सबसे अहम बात कि 7.7% तो मैंने बता दिया, लेकिन रिटर्न कितना मिलेगा उसकी एक मैंने कैलकुलेशन 3 एग्जाम्पल में आपको कर रखी है। यदि आप आज की तारीख में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने 642 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 5 साल बाद में आपका 1,38,520 रुपये बनेगा। टोटल 1 लाख प्लस आपका ब्याज जो आपने हर महीने ले लिया है, तो लास्ट में आपको 1 लाख ही मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको टोटल रिटर्न 38,520 रुपये मिल रहा है। यदि आप 4.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,888 रुपये हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि टोटल आपको 6,23,000 के तकरीबन आएगा। यदि आप ज्वाइंट में हैं और 9 लाख रुपये यदि डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपको हर महीने इनकम जो है 5,775 की हो जाएगी, और यदि उसकी टोटल अगर नेट वैल्यू देखें तो वो 12,46,000 हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं यदि आपको बताना चाहता हूँ इस स्कीम का, जो कि अधिकांश लोग इस स्कीम को इसी प्रकार से इसका यूज लेते हैं। मेरे मेरे अनुभव से ये देखा है कि अधिकांश लोग मंथली ब्याज लेकर खर्च करने से बेहतर ये समझते हैं कि वो उसको वापस कहीं इन्वेस्ट करें। तो स्मार्ट डिपॉजिट नाम दिया है मैंने इसको। इसके अंदर आप क्या करना क्या है कि जो भी ब्याज आपको आता है हर महीने, यदि आपको उसकी जरूरत अगले 5 सालों तक नहीं है, तो आप उससे अपना एक आरडी का खाता, रिकरिंग अकाउंट का खाता खोल दें, ठीक है, जिससे कि आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसा कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और ये सारी सुविधाएं ऑटो हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हर महीने, तो आपको जब आप खाता खुलवाते हैं आरडी का, एमआईएस का, तो उसी समय एक फॉर्म भर के या सिंपल एप्लीकेशन आपको देनी है कि ये पैसा हर महीने मेरे सेविंग अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से काट के मेरी आरडी भर दी जाए, तो सिस्टम ऑटोमेटिक 15 तारीख को आपकी आरडी भर देगा और इसके लिए कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है। जैसे कि अब देखते हैं कि ऊपर वाले एग्जाम में ही आपने एग्जाम्पल में देखा था कि 1 लाख यदि अपन डिपॉजिट कर रहे हैं तो अपन को पूरा जो है 1,38,520 मिल रहा था। यदि आरडी की हम बात करें कि जैसा कि मैंने बताया स्मार्ट डिपॉजिट है ये, तो इसमें यदि आप 645 रुपये हर महीने यदि आप अपने खाते से कटवा देते हैं तो आपको उसका ब्याज मिलेगा 46,766 रुपये, और इस प्रकार से आपका जो नेट अमाउंट है वो 1,46,000 के तकरीबन हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 8,000 रुपये ज्यादा ही मिलेंगे, जो कि यदि आप एफडी भी करवाएंगे तो इतना ब्याज आपको वहां नहीं मिल पाएगा। यदि आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट हर महीने 5,775 आ रहा है, तो यदि उसकी अगर आपने रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिया है तो आपको 4,18,000 उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तो आपको टोटल जो है 5 साल बाद में एक अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। 9 लाख यदि आपने डिपोजिट करवाए हैं तो आपको 5 साल बाद में 13,18,000 तकरीबन आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस स्कीम का आप जरूर यूज लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहूंगा।